मेरा नाम शोएब अहमद है। अजीज तलबा, हमारा एहतराम बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हमारा एहतराम जो आप बेंच के ऊपर बैठे हैं वो लकड़ी का बेंच है, उसके बाद बर्तन है, चौक है, डेस्क है और ज़मीन है, फत्ता है, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा हम और आप चारों तरफ में देखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं पानी, दूध, तेल, ये जो है ये माल है, और आप जो बेंच पे बैठे हैं ये जो है ठोस है। उसी तरीके से जो मैं आपको चौक से दिखाता हूँ ये भी एक ठोस है, डस्टर ठोस है, चेयर जो आप कुर्सी में रखी हुई है ये भी एक ठोस है, जैसे कि आप देखते हैं ये छत है ये भी एक ठोस है। और तीसरी जो शक्ल है, तीसरी शक्ल जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरीके से नाइट्रोजन भी एक गैस है और हमारे अतराफ बहुत सारे गैसेस हैं जिसे हम गैस के नाम से जानते हैं। अजीज तलबा, हमारे पास में बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान एक मिसाल है पानी, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसकी तीन शक्लें बन सकती है, जैसे कि पानी को आपने फ्रीजर के अंदर, फ्रिज के अंदर रख दिया है तो वह एक बर्फ़ बन जाएगा, मतलब पानी जो है एक माय है और वो बर्फ़ बन गया तो वो ठोस बन जाता है, और उसे फ्रिज में से निकाला जाए और गर्म किया जाए तो वो गैस की शक्ल में हवा में उड़ जाएगा, जिसे हम गैस बोलते हैं। उसी तरीके से साइंस ने इसको तीन नाम दिए, ठोस, माय और गैस। आइए आज हम मादे की तश्कील सबक के बारे में पढ़ते हैं।